अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। दुनिया भर में तहलका मचा रहे कोरोना वायरस ने मेरठ जिले में भी अपने पैर पसार लिए हैं। अमरावती से आए बुलंदशहर निवासी एक ही व्यक्ति के संक्रमण के कारण मेरठ में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा आज 19 हो गया। आज 6 लोगों में कोरोना पाए जाने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या भी 1200 को पार कर गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। आनंद विहार में एकाएक दिल्ली से आए श्रमिकों व हालात का जायजा लेने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ही मैदान में उतर गए। नोएडा में उन्होंने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने में बिगड़े हालात पर प्रभावी नियंत्रण न पाते हुए डीएम नोएडा की जमकर क्लास लगा दी। इसके बाद डीएम बीएन सिंह को भी इतना बुरा लगा कि उन्होंने 3 माह की छुट्टी ले ली। कोरोना के एक के बाद एक मामले सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर गए। प्रदेश के दौरे की शुरुआत उन्होंने नोएडा से की। अधिकारियों की बैठक में सीएम योगी आनंद विहार में हुई अफरा तफरी को लेकर खासे नाराज नजर आए। अपने तीखे तेवर दिखाते उन्होंने पूछा कि जब 2 माह पूर्व इस बारे में एडवाइजरी जारी कर दी गई थी तो इस अवधि में उन लोगों ने क्या किया, क्यों नहीं इसे गंभीरता से लिया गया। डीएम बीएन सिंह व सीएमओ ने जवाब देने की कोशिश की तो सीएम ने उन्हें यह कहते हुए डपट दिया कि बकवास न करें, ऐसी विषम परिस्थितियों में एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए नहीं बचा जा सकता। बकवास मत बंद करो अपना, बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। सीएम ने सीज फायर कंपनी के तालाबंदी नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि यहां पर कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं। नोएडा में ऐसे लोगों की संख्या करीब 36 है। मुख्यमंत्री की मीटिंग के बाद डीएम बीएन सिंह ने विशेष सचिव को पत्र भेजते हुए 3 माह का अवकाश मांग लिया। अपने पत्र में बीएन सिंह ने लिखा है कि व्यक्तिगत कारणों से वह जिलाधिकारी गौतम बुद्ध के पद पर नहीं रहना चाहते हैं, अतः डीएम के पद्य दायित्व से मुक्त करते हुए 3 माह का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करें। COVID-19 को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की प्रशासनिक स्थिरता ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि इस पद पर किसी अन्य अधिकारी की तैनाती कर दी जाए। बीएन सिंह पिछले 3 साल से नोएडा में डीएम है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मेरठ हालातों का जायजा लेने आ रहे हैं। नोएडा में दिखाए गए तेवर के चलते जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूले हुए हैं। मेरठ में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में 6 का इजाफा हो गया, अब यह संख्या 19 हो गई है। IIMT से मेडिकल कॉलेज भेजे जाने वालों की संख्या 4 बताई गई है, इनमें से 2 में कोरोना की पुष्टि हुई है। बता दें कि बुलंदशहर निवासी यह शख्स महाराष्ट्र के अमरावती से सीधा यहां शास्त्री नगर सेक्टर 13 स्थित आवास पर गया था। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर वह जहां जहां गया था उन 3 इलाकों को पहले 3 व बाद में अन्य लोगों में पुष्टि होने पर 5 दिन के लिए सील कर दिया गया। अब गंगानगर में भी 2 लोगों की पुष्टि के बाद गंगानगर के बाई एयर 1 किलोमीटर क्षेत्र को भी संभवतः कल सील कर दिया जाएगा। इस बीच मेरठ में 382 टीमों ने 24 क्षेत्रों में करीब 50,000 घरों का भ्रमण कर 2,65,000 आबादी का सर्वे किया। इनमें से 5 संदिग्धों को सुभारती मेडिकल कॉलेज तथा 310 लोगों को घरों में ही एकांत कर दिया गया। अब तक कुल 109 सैंपल भेजे गए, जिनमें से 19 पॉजिटिव जबकि बाकी नेगेटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर यूपी में कोरोना पॉजिटिव 94 हो गए हैं। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं मेरठ CMO डॉक्टर राजकुमार। अपडेट ये है कि उसी परिवार के 4 लोग और पॉजिटिव आए हैं, जो सुभारती में एडमिट थे 35, उनमें से 4 पॉजिटिव आए हैं आज, और उसके अलावा 2 और पॉजिटिव आए हैं जो विदेश से आने की उनकी हिस्ट्री थी। उनको हम सर्वलांस पे रखा हुआ था, लेकिन जब सिम्टम आए तो उनको भर्ती करा के टेस्ट कराया तो उनमें 2 पॉजिटिव आए। इस तरह टोटल आज 6 पॉजिटिव आए हैं और संख्या 19 हो गई है अब। और आज हमारी जो है 382 टीमों ने क्षेत्र में काम किया है, और उसमें काफ़ी लोग होम क्वारंटाइन में रखे गए, और उनमें से 5 को आज सुभारती में एडमिट कराया गया, जिनकी कल सैंपलिंग हो जाएगी। सर अगर वही बात करें जो गंगानगर से कुछ 2 युवक विदेशी जो मिले, गंगानगर से नहीं थे वो, सिविल लाइन एरिया से थे और सूर्यनगर एरिया से थे। इसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एरिया ना बताएं किसी को, तो घबरा उनके यहाँ से भी जो फैमिली के कॉन्टैक्ट्स हैं उनके भी कल हम जो है टेस्ट कराएंगे। तकरीबन आज जो टीमों ने आज जो रेस्क्यू किया है वो तकरीबन कितना रेस्क्यू हुआ है, कितने लोगों के सैंपल लिए गए हैं अब तक? आज 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हमने कवर की है 382 टीमों ने, और उन्हीं में से 5 सिम्टोमेटिक निकल के आए थे, उनको सुभारती में एडमिट करा दिया गया। अब एंसुलेशन यानी
देख रेख में कितने मरीज हैं अभी आइसोलेशन में? 19 के 19 जितने पॉजिटिव हैं सारे हमारे जो है उसमें भर्ती हैं, और जो नेगेटिव हो गए हैं उनकी छुट्टी कर रहे हैं। कितने लोग निगरानी में हैं आपकी? निगरानी में हमारे 821 लोग निगरानी में थे जो विदेश से आने वाले की हिस्ट्री थी, और उसमें से 604 के करीब अभी सर्वलांस में हैं, बाकी सर्वलांस से आउट हो चुके हैं। इस बीच आज सर्वे करने गई टीम को बंधक बनाए जाने की भी जानकारी सामने आई है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं जिन लोगों को बंधक बनाया है लोगों ने। मैं एनएमओ यूपीएससी राजेंद्र नगर पे कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे सर्वे निकली कोरोना वायरस के उसमें बताने के लिए, कन्वेंस करने के लिए। तो कुछ मैंने सर्वे कर चुकी थी मैं, उसमें फिर अचानक से पीछे से एक लड़का आया, उसने मेरी फाइल छीन के वो ले गया। वो कहने लगा कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हें किसने परमिशन दी? मैंने कहा हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है, तो हम इसलिए यहाँ पर बिना परमिशन के हम यहाँ नहीं आए हैं। तो कहने लगा ये मैं फाड़ूंगा। मैं कहा फाड़ के दिखाओ, हम ऊपर कंप्लेन कर देंगे। मैंने अपनी मैडम को फ़ोन करने के लिए मोबाइल निकाला, उसने मेरा फ़ोन भी छीन लिया और पीछे हाथ करे। मैंने पीछे से उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगा तुम फ़ोन करके दिखो, हम तुम्हें सभासद के पास लेके जा रहे। मैंने कहा चलो मैं सभासद के पास चलने को तैयार हूँ। उसने कहा कि कुछ लोगों को तैयार हो गए थे, वो बंदा नहीं होता जिसने मेरे कागज़ छीने थे। तो फिर वो सभासद के पास नहीं गया, फिर पता नहीं कैसा मैं मैडम को फ़ोन करने के लिए मैंने फ़ोन निकाला, तो इतने में वो भाग गया। पता नहीं वो कहाँ का था। जो परमिशन लेटर था उसे भी फाड़ने की चीज़ हमारे साथ हल्की मुल्की धक्का मुक्की हुई है। रही हूँ राजेंद्र नगर। आज कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत देखते हुए हमारे ही क्षेत्र में सेक्टर 13 में 13 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, लेकिन उसी के सिलसिले में पूरे क्षेत्र में कोरोना वायरस का, इनफैक्ट पूरे मेरठ में ही कोरोना वायरस सर्वेलेंस किया जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर ये पता किया जा रहा है कि किसी और व्यक्ति में लक्षण तो नहीं है। उसी के तहत करीमनगर गली नंबर 6 में पूरी टीम गली नंबर चार में पूरी टीम सर्वे की थी। इसी दौरान हमें सूचना प्राप्त हुई कि टीम को बंधक बनाने की कोशिश की गई है, उनके साथ हाथापाई हुई है। जो हमारे यहाँ पे फीमेल्स थी उनके साथ में छेड़खानी हुई है, जो अत्यंत दुखद है। हम लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि अब ये वायरस आगे ना फैले, ये रुक जाए। हम चाहते हैं कि हमारा जो शहर है ये कोरोना से मुक्त हो, उसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी केस हमें मिलते हैं उनका हम सर्वे कराते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, लेकिन आज घटना हुई है वह दुखद है। मेरी आप लोगों से सबसे ये निवेदन है कि आप टीम का सहयोग करें। उधर यह भी जानकारी में आया है कि देश भले ही कोरोना के प्रकोप से लड़ रहा हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कई बड़े अफसर अभी भी दिल्ली अथवा अन्य जिलों से रोजाना अप डाउन कर रहे हैं। इन सभी को जिला मुख्यालय पर ही रहना होता है, लेकिन स्वास्थ्य आपातकाल होते हुए भी ये अफसर अपने हिसाब से ही विभाग को चला रहे हैं। इनमें सीएमओ स्तर के अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।